हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि मेरी आवाज़ सुन के आप लोग समझ ही पा रहे हैं, गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आज, बाकी हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कोई न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड MCQ किस टाइप का बन पाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है? और वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कहती क्या है वो देखेंगे सारी चीज़ें। GK और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैप बेस अगर कोई न्यूज़ है तो मैप की लोकेशन हम लोग देखेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट न्यूज़ एक्चुअली में क्या कहता है। हु रिलीज इट्स न्यू रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर, मतलब द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट किसने जारी की है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की आपको बात बता दूँ तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें थोड़ी बहुत, तो जो WMO है, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने रिलीज़ किया है 2021 का जो एडिशन है, किस चीज़ का? द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट का, जिसका फोकस किस पर है? जिसका फोकस है वाटर पर। अच्छा, वाटर के बारे में अगर कोई भी चीज़ बन जाती है सुर्खियों में, न्यूज़ में, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है हमारे एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं WMO विच इज़ स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके फॉर्मेशन ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अगर मैं आपको बता दूँ, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये है, ठीक है? और अगर मैं आपको बात बता दूँ हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग एक और बात करें इसकी, क्या चीज़ की, इसके जो हेड होते हैं ना वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बात करें जर्नार्ड एड्रियन जो जर्मनी के हैं, वो 2019 से इसके हेड हैं। ये चीज़ आपको बेसिक पता होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस न्यूज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू और लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ वाटर रिलेटेड हैजार्डस सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। यहाँ पर बात की जा रही है WHO, सबको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरों का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा बताया गया है। चलिए अगर हम लोग इसके बारे में एक्चुअली न्यूज़ क्या कहती है तो देखें, क्लाइमेट चेंज विल ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर स्कार्सिटी, मतलब जलवायु परिवर्तन से पानी की कमी से प्रभावित लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, जैसा कि ये अंडरस्टूड भी है, ठीक है? जलवायु परिवर्तन होगा तो पानी की जो कमी से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चलिए 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग दुनिया भर में 3.6 बिलियन लोगों के पास हर साल कम से कम एक महीने पानी की अपर्याप्त पहुंच थी।
तो यहाँ पर बात की जा रही है 2018 के डेटे के अकॉर्डिंग 3.6 बिलियन, ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अगर मैं आपको बात बता दूँ, यह संख्या 2050 तक 5 अरब से भी अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है, बट कब तक, 2050 तक। 2050 आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक ये जो संख्या है ना, ये 5 अरब हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ है आज की हमारी, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड टू सेट अप अ नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रिसेंटली, मतलब हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात बता दूँ, और ये थोड़ा सा अंडरस्टूड क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है सड़क की, रोड की, नेशनल सेफ्टी बोर्ड्स की, तो यहाँ पर अंडरस्टूड होगा हमारा करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलिए अगर हम लोग बात करें कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको नोटिफाई किया है कि भाई एक बोर्ड सेटअप होगा नेशनल रोड सेफ्टी के नाम से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड सड़क सुरक्षा नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, किस चीज़ के लिए ये जिम्मेवार होगा। तो यहाँ पर हमने देखा नवाचार को बढ़ावा देगा, साथ में नई तकनीक को अपनाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगले न्यूज़ की, जो कि क्या है, जो कि हमें देखने को मिल जाती है किस बारे में, जो कि है Who interacted with the beneficiaries of the Swamitva scheme in Madhya Pradesh? So, if we talk about the correct answer, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर चार ऑप्शंस में हमें मोदी जी का नाम दिखता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोदी जी ही आंसर हमें मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, आगे हम लोग ओवरव्यू भी लेते हैं इस स्कीम का। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे हैं पीएम जो है हमारी कंट्री के, कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इंटरेक्ट किया है बेनिफिशियरीज को स्वामित्व स्कीम पर एमपी में, ठीक है, कौन से डेट पर, 6 अक्टूबर को। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सेम न्यूज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, लिखा हुआ है, अच्छा पीडीएफ के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो पीडीएफ आपको कहाँ पर, टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, प्लीज़ करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है मध्य प्रदेश की। फाइन, तो हम लोग मध्य प्रदेश की लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारा धर्म बनता है अगर किसी भी लोकेशन की बात की जाती है, तो उसका मैप और उसके बारे में जानने की। चलिए अगर हम मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन देखें, तो इंडिया के मैप में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, छोटी सी लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को यहाँ मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं नेबरिंग स्टेट्स की बात करूँ, तो कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, साथ में यहाँ पर राजस्थान, गुजरात यहाँ दिखता है छोटा सा साइड में, और अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यहाँ, मतलब बेसिकली ये सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है, कौन सा स्टेट हमारा, एमपी। चलिए अगर हम लोग इसके बारे में ओवरव्यू लें, तो अगर मैं आपको बता दूँ फॉर्मेशन 1956 में हुआ था, किसका फॉर्मेशन, एमपी का, अच्छा। और अगर कैपिटल की बात करें, तो कैपिटल है भोपाल, और लार्जेस्ट सिटी की बात करें, तो लार्जेस्ट सिटी है इंदौर। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर है कौन, मंगू भाई सी पटेल यहाँ पर हमें गवर्नर देखने को मिल जाते हैं। और अगर सीएम की बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हमें सीएम देखने को मिल जाते हैं। चलिए यूनिकैमरल सीट्स हैं, 230 सीट्स हैं यूनिकैमरल में, लोकसभा की 29 हैं और राज्यसभा की 11 हैं। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो जबलपुर हाईकोर्ट माना जाता है। चलिए एरिया के अकॉर्डिंग अगर रैंक देखा जाए, तो सेकंड रैंक आता है, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर रैंक देखा जाए, तो फिफ्थ रैंक आता है अकॉर्डिंग टू द
सेंसस ऑफ 2011। चलिए यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का प्रॉपर ओवरव्यू ले लिया, आई होप सब लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस स्कीम के बारे में, ठीक है। जो स्कीम हाल फिलहाल में जिस स्कीम के थ्रू पीएम ने इंटरेक्ट किया है बेनिफिशियरीज के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑन द ओकेजन पीएम ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट ई प्रॉपर्टी कार्ड्स टू 1,71,000 बेनिफिशियरीज अंडर द स्वामित्व स्कीम। मतलब 1,71,000 1,71,000 बेनिफिशियरीज को स्वामित्व स्कीम के अंडर में ई प्रॉपर्टी कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो ये डेटा आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मैं बता दे रही हूँ, बाकी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर बात की गई है पंचायती राज डे की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। 24 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसको, नेशनल पंचायती राज डे को। चलिए यहाँ पर मूव कर लेते हैं कुछ और, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। स्वामित्व स्कीम स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। चलिए अगर मैं आपको बताऊं इसकी फुल फॉर्म की बात, तो ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। कुछ स्कीम होती हैं स्टेट बेस्ड, ठीक है, और ये स्कीम कौन सी है, ये स्कीम है सेंट्रल बेस्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। चलिए, अच्छा कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज हमने देख लिया, पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसी मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी किया गया है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी इश्यू है तो प्लीज़ करके आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और अगली न्यूज़ की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द फाइनल ऑफ 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। अब यहाँ पर बात की जा रही है, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात भी की गई है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कौन 2021 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई, तो इसका करेक्ट आंसर है अंशु मलिक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, अच्छा ये कौन है, ये इमेज आप लोग देख पा रहे हैं किनकी, अंशु मलिक जी की, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, हरियाणा की ये रहने वाली हैं। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ कुछ और। अंशु मलिक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द फाइनल ऑफ 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 2021 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में पहुंचने वाली कौन है भारत से पहली महिला, तो ये है अंशु मलिक। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, शी क्रिएटेड दिस हिस्ट्री आफ्टर आउट क्लासिंग जूनियर यूरोपियन चैंपियन जो कि है सोलोमिया को हराकर, सोलोमिया को पछाड़ कर ये इन्होंने इतिहास रच दिया जो कि यूरोपियन चैंपियंस हैं, ठीक है। यूरोप से रिलेटेड है कौन, सोलोमिया, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोलोमिया विनिक जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यूरोप से। चलिए अगर मैं आपको बात बता दूं, भारत के 19 वर्षीय पहलवान और मौजूदा एशियाई चैंपियन अंशु ने शुरू से ही सेमीफाइनल पर कब्जा जमाया, मतलब स्टार्टिंग से वो बहुत अच्छे से खेली हैं, स्टार्टिंग से ही उनका फोकस बहुत अच्छा रहा, और सिर्फ इनकी उम्र है 19 साल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग की तकनीकी श्रेष्ठता से जीत हासिल करी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैटेगरी पूछ ली जा सकती है, कितने किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने इस चीज को हासिल किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारा ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया। चलिए मूव कर लेते हैं अगले न्यूज और अगले क्वेश्चन की साइड। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या पांच भारतीय भाषाओं में बहुभाषी मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन, मतलब मल्टीलिंगुअल डेमेंटियर रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है, इन फाइव लैंग्वेजेस किसने रिलीज किया है, ऐसा पूछा गया है। तो अगर मैं आप लोग को इसके करेक्ट आंसर की बात बता दूं, तो भाई इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ICMR, ठीक है, ICMR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बारे में बात कर ले, अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होगी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, और क्यों रहा है ICMR इसलिए सुर्खियों में रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर, COVID-19 को लेकर, ठीक है, COVID-19 वैसे भी आप लोग को पता ही है COVID-19 का काल चल रहा है, तो इस काल में मेडिसिन से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ सुर्खियों में होती है, तो डेफिनेटली वो एग्जामिनर के लिए वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती है और सभी के लिए हाईलाइटेड होती है, तो इस पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। चलिए ICMR ने हाल फिलहाल में रिलीज किया है किस चीज़ को, एक टूल बॉक्स को, जिसमें फाइव इंडियन लैंग्वेजेस हैं। अब एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पांच भारतीय भाषाओं में मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स को जारी किया गया है। अच्छा कौन कौन सी लैंग्वेजेज है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। टूल बॉक्स वॉज लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द केयर एंड आउटरीच टू पीपल सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। अगर मैं आप लोग को बात बता दूं, डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए इस टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया था, ठीक है। टूल बॉक्स को हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम के मलयालम सहित भाषाओं में लॉन्च किया गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस इनसे रिलेटेड हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से बता देती हूँ, हिंदी, ठीक है, बंगाली, ठीक है, और यहाँ पर बात करें कन्नड़, साथ में तेलुगु और मलयालम, तो ये पांच लैंग्वेजेस में इस टूल बॉक्स को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ICMR के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुद्रा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ना मुद्रा भी कह सकते हैं, और मुद्रा की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि क्या है, जो कि है मल्टीलिंगुअल डेमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट, ठीक है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं इसमें। चलिए मूव कर लेते हैं फटाफट से अगली न्यूज़ की साइड। तो अगली न्यूज़ है आप लोगों की, क्या 2021 में कौन सा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हाल फिलहाल में इस G20 कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया है, पूछा गया है कौन से नंबर का, तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूँ, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13th एडिशन लॉन्च किया गया है 2021 में, किस चीज़ का, G20 कॉन्फ्रेंस का। चलिए ये कौन है मैडम, ये है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, इनके बारे में सबको पता ही है। अच्छा यहाँ पर बात की जा रही है जो 13th एनुअल इंटरनेशनल G20 कॉन्फ्रेंस है, इसको कब लॉन्च किया गया था, 6 अक्टूबर को, ठीक है। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। चलिए निर्मला सीतारमण जी ये कौन है, आपने देख लिया, फाइनेंस मिनिस्टर ये हैं। अच्छा एक और मिनिस्ट्री इनके पास है, कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, आप लोग कहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से अगर पता है तो। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें और इसके बारे में न्यूज़ की,
तो इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग फॉर स्ट्रेंथनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज FATF. अब यहाँ पर पूछा जा सकता है FATF की भी फुल फॉर्म, तो ये भी आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. चलिए अगर मैं आपको बात बता दूं, भारत FATF और IMF जैसे संसाधनों की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है, किस किस बारे में बात की गई है, इन सब चीजों पे वर्क करेगा कौन सी कंट्री, हमारी कंट्री, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया. चलिए अगर मैं आप लोग को इसके बारे में और बताऊं, तो अकॉर्डिंग टू FM, FM से यहाँ FM रेडियो वाला मत समझना, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर डिकोड किया गया है, ठीक है. अगर मैं आप लोग को बात बताऊं, फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार G20 प्रेसिडेंसी भारत के लिए स्थिरता, नवाचार, समावेशिता और न्याय को दर्शाने वाले भविष्य के बारे में अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करने वाली है, ठीक है. और अगर मैं आपको बताऊं, रोड टू इंडिया 2023 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में कभी हम प्रॉपर सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है. रोड टू इंडिया 2023 प्रेजिडेंसी इज इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग, मतलब भारत के 2023 के राष्ट्रपति पद की राह दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण भी बताई गई है इसमें, ठीक है. तो इंडिया इन सब चीजों पे वर्क कर रहा है, किस पर, FATF और IMF को और ज्यादा प्रभावशीलता दे रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग. ये किन होने बताया है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है, जो कि कौन है, जो कि है निर्मला सीतारमण जी. 2021 में कौन सा एडिशन हमें देखने को मिला, 13th एडिशन हमें देखने को मिला. तो ये पूरी न्यूज़ का अच्छे तरीके से हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी. चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अगली न्यूज़ की, जो कि है डिफेंस से रिलेटेड, और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अच्छा, कौन कौन से एग्जाम्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सभी एग्जाम्स, अगर कोई भी SSC का एग्जाम है, कोई भी यूपी UPSI टाइप का कोई एग्जाम है, स्टेट PCS का कोई एग्जाम है, तो सभी एग्जाम्स का हमारे मतलब सभी एग्जाम्स के लिए हम लोग फोकस करते हैं. चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है एक्चुअली और न्यूज़ क्या है. विच एडिशन ऑफ इंडिया UK ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अजेय वॉरियर, अजेय वॉरियर जिसका नाम है, ठीक है, हैज कमेंस्ड एट चौबटिया उत्तराखंड, मतलब यहाँ पर पूछा गया है भारत का कौन सा संस्करण UK संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ. तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर अगर आपको बता दूँ तो सिक्स्थ एडिशन हमें 2021 में देखने को मिला. चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडिया UK ज्वाइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर हैज कमेंस्ड एट चौबटिया उत्तराखंड एंड विल क्यूलिमिनेट, यहाँ पर बात की गई है इसके समापन की भी, जो कि 20 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है. तो ये 20 अक्टूबर तक चलने वाली एक्सरसाइज है जो हमें देखने को मिल रही है. अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर इमेज है, इससे आपको ज़्यादा टाइम तक मेमोराइज रहेगा. चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव टू डेवलप इंटर ऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग एक्सपर्टाइज विद फ्रेंडली फॉरेन नेशंस. तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, अगर किसी कंट्रीज अगर किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में कोई भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है, आपसी संबंध को बढ़ाना, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, इनहेंस करना चीज़ों को, कि इन केस
इन फ्यूचर अगर उन दोनों कंट्रीज को एक साथ में किसी और कंट्री के अगेंस्ट वॉर करना है तो वो लोग कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज की जाती है, बेसिक बेसिक मेन एम यही होता है सबका। ठीक है, और दोनों के अंदर किसी के, मतलब लेट सपोज ये इंडिया और यूके के बीच में ये वाली एक्सरसाइज हुई है, राइट। तो इंडिया के पास कुछ एक्सपर्ट चीज़ें होंगी, ठीक है, किसी चीज़ में इंडिया हमारी कंट्री एक्सपर्ट होगी और किसी चीज़ में यूके एक्सपर्ट होगा, तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी एक्सपर्टाइज देने की कोशिश भी करते हैं, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। वैसे भी डिफेंस को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइप के रहते हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की लिस्ट दी हुई है मैंने, ये आप लोग देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ आप लोग को, यहाँ पर नेम ऑफ एक्सरसाइज मेंशन है और यहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ हमें देखने को मिलती है मेंशन है। चलिए, यहाँ पर बात करें गरुड़ शक्ति की, तो ये इंडोनेशिया और इंडिया के साथ हमें देखने को मिल जाती है। एक्वेरिंग की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये हमें मिलती है मालदीव्स के साथ में देखने को, बहुत अच्छी बात है। हैंड इन हैंड चाइना के साथ में हमें देखने को मिल जाती है, चाइना और इंडिया एक साथ कंडक्ट कराते हैं हैंड इन हैंड, तो डेफिनेटली अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आंसर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज की, तो ये मिलती है हमें सिंगापुर के साथ में कंडक्ट करने को। चलिए, मित्र शक्ति हाल फिलहाल में सुर्खियों में भी रही थी, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में हमें देखने को मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कौन सी, नॉमेडिक एलिफेंट, जो कि मंगोलिया और इंडिया के साथ में हमें देखने को मिलती है। चलिए, शक्ति और गरुड़ शक्ति दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। शक्ति हमें देखने को मिल जाती है फ्रांस के साथ में, और अगर सूर्य किरण की बात करें तो नेपाल, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट, नेपाल वाली, ठीक है, श्रीलंका वाली, चाइना वाली तो हर चीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि COVID-19 के फादर कौन सी कंट्री है, चाइना, इसलिए चाइना से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं युद्ध अभ्यास की, तो युद्ध अभ्यास हमें देखने को मिलेगी USA के साथ में, तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड और अगली न्यूज़ की साइड, जो कि है सबका प्रयास कलेक्टिव पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, तो बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री पूछी गई है हम लोगों से, तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए, इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं अच्छे तरीके से हम लोग। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन सबका प्रयास कलेक्टिव पार्टनरशिप, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, MOE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए, सबका प्रयास कलेक्टिव पार्टनरशिप मतलब सबका प्रयास सामूहिक भागीदारी, इस पर एक वेबिनार लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ में मिलकर। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और, क्या बात कह रहा है वेबिनार, 17 सितंबर 2021 से लेकर 7 अक्टूबर 2021 तक सुशासन पर भारत सरकार द्वारा आयोजित वेबिनार की एक श्रृंखला का हिस्सा था, तो आपसे पूछा जा सकता है कब इसको स्टार्ट किया गया था, 17 सितंबर 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि कब तक चला है, 7 अक्टूबर तक चला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर ली। मूव करते हैं अगले प्रश्न की साइड, तो अगला प्रश्न है आप लोगों का क्या, अगला प्रश्न है विच नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ प्रिजन्स ऑफ ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज वॉज इनॉग्रेटेड बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स श्री अजय कुमार मिश्रा जी इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ पर बेसिकली हमसे पूछा गया है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने नई दिल्ली में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के
जेल प्रमुखों के किस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया? तो यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूँ, सेवंथ एडिशन इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं। कौन? अजय कुमार मिश्रा जी कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट्स फॉर होम अफेयर्स ये हैं। चलिए और बातें जान लेते हैं इनके बारे में। ये दो दिन का द टू डेज सेवंथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये रहा, ठीक है, ऑफ हेड्स ऑफ प्रिजंस ऑफ ऑल स्टेट्स साथ में यूनियन टेरिटरीज। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाई द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर होम अफेयर्स विच इज श्री अजय कुमार मिश्रा जी इन न्यू दिल्ली। मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने श्री जो कि श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं उन्होंने नई दिल्ली में सभी राज्यों साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों के दो दिवसीय सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों की बात हो रही है। चलिए मूव कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की साइड, जो कि क्या है, वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्ल्ड के लेवल पर ये ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड के लेवल पर अगर कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। कब मनाया जाता है? डायरेक्टली हमसे पूछा गया है तो 7th of October को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे WCD इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 7th of October, 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। चलिए अच्छा इसके बारे में और बातें कर लेते हैं। तो द इंटरनेशनल डे एम्स टू सेलिब्रेट द एडवांटेजेस ऑफ कॉटन रेंजिंग फ्रॉम इट्स क्वालिटीज एज अ नेचुरल फाइबर टू द बेनिफिट्स पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेड एंड कंजप्शन। मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है? कपास के लाभों का जश्न मनाना, इसके गुणों से लेकर प्राकृतिक फाइबर के रूप में लोगों को इसके उत्पादन साथ में परिवर्तन व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों तक को बताना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। WTO ने इसको लॉन्च किया है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको बात बता दूँ WCD इट इज स्टैंड फॉर वर्ल्ड कॉटन डे, राइट। चलिए WCD दिवस की शुरुआत कपास चार देशों के समूह कौन कौन से, बेनिन बुर्किना फासो चाड और माली के द्वारा वैश्विक वस्तु के रूप में कपास के महत्व को दर्शाने के लिए की गई थी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने जान ली हैं, इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम लोग के एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से। चलिए यहाँ पर मैं कुछ अभी कौन सा महीना गया था पीछे, तो अभी लास्ट मंथ जो था वो था सितंबर। तो हमारा धर्म बन जाता है क्या सितंबर के बारे में कुछ चीज़ें जानने की। तो सितंबर में 11th of September को कौन सा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल फॉरेस्ट मैट्रेस डे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 14th September की, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व किया जाता है 14th September को, और 14th September को हिंदी दिवस भी हमें देखने को मिल जाता है। चलिए ये वर्ल्ड लेवल पर है कौन सा, फर्स्ट एड डे, और ये नेशनल लेवल पर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 15th September की, इंजीनियर्स डे ये इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है, और 15th September को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी देखने को मिल जाता है। मलेशिया डे 16th September को मिलता है, साथ में 16th September को वर्ल्ड ओजोन डे भी हमें देखने को मिल जाता है। 17th की बात करें तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18th को वर्ल्ड बैम्बू डे, 19th को इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बताऊं 21st of September की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो आई होप इस सेशन में आप लोगों को अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सारी चीज़ें समझ में आई, अच्छे तरीके से आप लोगों ने ओवरव्यू लिया, और ये सेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा।
चलिए अच्छा, पीडीएफ के बारे में मैं एक बार और आपको बता दूं, कहाँ से मिलेगी आपको पीडीएफ? टेलीग्राम ग्रुप से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो लिंक दिया हुआ है कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से प्लेस करके लिंक पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। अच्छा, और बहुत सारी बुक्स लॉन्च की गई हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है? तो बुक्स की वेबसाइट का लिंक भी आपको कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ करके वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा लिंक भी, और जो भी बुक आपको परचेज करनी है वो भी ले लीजिएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।